यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी शेयर आपको कब बाय करना चाहिए और कोई भी शेयर आप कब सेल करने का डिसीजन ले सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, इसको अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपको कोई भी शेयर बाय करने में और कोई भी शेयर सेल करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों बता दें, ये वीडियो उनके लिए है जिनका टाइम पीरियड जो है शेयर को होल्ड करने का 6 मंथ से 5 years हो, इवन मोर भी हो सकता है। तो कम से कम 6 मंथ का ड्यूरेशन आपको रखना है, अदरवाइज आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिए हैं 5 years का टाइम होराइजन और ये skinner.in का वेबसाइट है। skinner.in वेबसाइट पाएंगे, यहाँ पर चार्ट में आएंगे, कोई भी स्टॉक सर्च कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बजाज फाइनेंस को लिया है, तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस के चार्ट को आप देख रहे हैं कि ये पी रेशियो, ये प्राइस नहीं लेना है, ये पी रेशियो वाला चार्ट लेना है। पी रेशियो वाला चार्ट लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आपको दिखता है, फिर यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग जिसको पीई रेशियो कहते हैं वो दिखता है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये जो ब्लू लाइन है ये प्राइस टू अर्निंग है, मतलब जिसको हम पीई कहते हैं, और बीच में यहाँ पर डॉट डॉट जो लाइन दिख रहा है ये हमारा मीडियन पीई है, और ये जो बार ग्राफ दिख रहा है आपको ये ट्रेलिंग 12 मंथ का अर्निंग पर शेयर है। तो अगर 5 years का ग्राफ देखें तो बजाज फाइनेंस का पिछले यहाँ पर देखिए 2020 के बाद यहाँ अर्निंग पर शेयर में गिरावट हो रहा है। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस इंफॉर्मेशन देख करके आप शेयर प्राइस के फ्यूचर में आने वाले मूवमेंट को भी तय कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट ग्राफ है जहां से देख सकते हैं कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, पी रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी के बेसिस पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो मीडियन पीई है ये बीच में यहाँ 60 के आसपास डॉट डॉट लाइन आपको दिखेगा, मीडियन पीई के नीचे जब स्टॉक आता है तो यहाँ पर जैसे बॉटम फाइंड करता है तो आप यहाँ पर बाय करेंगे, जैसे मीडियन पीई के ऊपर स्टॉक हो जाता है तो ये ओवर वैल्यूड हो गया तो यहाँ पर आप सेल करेंगे, फिर जैसे नीचे आता है तो ये स्टॉक काफी चीप प्राइस पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, सिर्फ इसी लाइन को नहीं देखना है, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर का ये जो बार ग्राफ है नीचे ब्लू लाइन, हल्का ब्लू लाइन में जो यहाँ पर बार ग्राफ दिया है तो यहाँ पर देखते हैं अर्निंग पर शेयर यहाँ लगातार बढ़ रहा है 2020 तक, जबकि यहाँ पर पी लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो जब पी डिक्रीज हो रहा है तो उस समय बाय कीजिए और ऊपर जब गया तो सेल कर दीजिए, क्योंकि अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा है लेकिन पी घट रहा है। अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा है, पी घट रहा है, मतलब प्राइस घट रहा है। जब अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो ग्राफ नीचे क्यों रहा है, क्योंकि प्राइस स्टॉक का घट रहा है, तो घटते हुए प्राइस पर हम बाय करेंगे, जैसे ऊपर गया तो सेल कर दीजिए। अब फिर देखिए यहाँ पर स्टॉक, यहाँ पर 2020 के क्रैश में काफी नीचे आ गया, तो काफी सस्ते पी पे स्टॉक मिला, मतलब काफी सस्ते प्राइस पे मिला, जबकि अर्निंग पर शेयर में अभी कोई खास डिक्रीज नहीं आया था, और उसके बाद यहाँ सस्ते प्राइस पर हमें स्टॉक मिला। और पी देखिए अभी काफी महंगा 80 के ऊपर जा चुका है, यहाँ पर जब स्टॉक था तो यहाँ पर देखिए पी मात्र 21.2 का था, काफी सस्ते पी पर उपलब्ध था, अब यहाँ से पी जो है 4 times अप्रॉक्स हो चुका है। तो अभी स्टॉक जो आपको 4 times का रिटर्न दे चुका है, तो अभी आप 4 times का रिटर्न प्राप्त करते अगर अप्रैल 2020 के गिरावट में इस स्टॉक को बाय किए रहते। अब देखिए जिसका टाइम होराइजन 5 years से अधिक है तो मैक्सिमम ईयर का चार्ट लगाइए, हम देखिए मैक्सिमम चार्ट कर दिए, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक जो यहाँ पर नीचे आया इस पी के, तो एक ही बार नीचे आया, काफी नीचे गिरता चला गया, तो यहाँ बॉटम पर आप बाय करेंगे और यहाँ पर हाई पर सेल करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2016 में स्टॉक इस पी के काफी नीचे था अपने पी के, मीडियम पी के, तो यहाँ पर बाय करते, और यहाँ पर देखिए 2018 में स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे था, मतलब काफी महंगे पी पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर आप सेल करते। तो इस तरह से आप काफी सस्ते प्राइस पर अच्छे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक कैसे ढूंढेंगे, तो यही जब अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा हो कंपनी का, कंपनी फंडामेंटली काफी सॉलिड होना चाहिए, जैसा फंडामेंटल एनालिसिस हम कई सारे वीडियो में बताते हैं, और यहाँ पर स्टॉक का जो पी है लगातार घट रहा है जबकि अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का लगातार बढ़ रहा था 2020 तक, जबकि पी स्टॉक का लगातार घट रहा था, तो यह स्टॉक काफी अच्छा है क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है और पी काफी घट रहा है, तो सस्ते पी पर हम बाय करेंगे बढ़ते हुए अर्निंग पर शेयर वाले स्टॉक को, और फिर महंगे पी पर हम इस स्टॉक को सेल करेंगे। इस तरह से हम अच्छा खासा यहां से प्रॉफिट ले सकते हैं किसी भी स्टॉक से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।